ये खूबसूरत सी तस्वीर उस लड़की की है जिसने रची थी 20 करोड़ की साजिश। इस खूबसूरत लड़की ने पहले पेटीएम के डेटा चुराए और फिर पेटीएम के मालिक से मांगी 20 करोड़ की रंगदारी। इस खूबसूरत लड़की ने पेटीएम के मालिक को थाईलैंड से कराया फोन और फिर दी धमकी, 20 करोड़ दो वरना डेटा सार्वजनिक हो जाएगा। इस खबर में सस्पेंस है, साजिश है और शातिर सेक्रेटरी का गुनाह है। अब पूरी कहानी समझिए। इस लड़की का नाम है सोनिया धवन। सोनिया पेटीएम के मालिक की सेक्रेटरी थी। एक साधारण से अखबार में साधारण सी कर्मचारी से पेटीएम की वाइस प्रेसिडेंट बनने का सफर सोनिया ने बहुत तेजी से पूरा किया। फर्श से अर्श की उड़ान भर रही सोनिया के दिमाग में अकूत दौलत कमाने का ऐसा पागलपन सवार हुआ कि उसने एक योजना बनाई। सोनिया ने सेक्रेटरी होने का फायदा उठाया। उसने सबसे पहले पेटीएम के डेटा चोरी किए और फिर 3 साथियों के साथ पेटीएम के मालिक को ब्लैकमेल करने की साजिश रची। इस पूरी कहानी में 3 किरदार थे। पहली किरदार सोनिया धवन, दूसरा किरदार राहुल, तीसरा किरदार देवेंद्र और चौथा किरदार रोहित चौपाल। सोनिया, राहुल और देवेंद्र पेटीएम के कर्मचारी थे जबकि रोहित चौपाल कोलकाता का रहने वाला था। रोहित चौपाल ने पेटीएम के कर्मचारियों को फोन किया और उनसे पहले 10 करोड़ की रंगदारी मांगी और फिर डेटा को सार्वजनिक कर देने की धमकी देकर रंगदारी की रकम 20 करोड़ कर दी। एक्चुअली मैं 20 सितंबर को मेरे भाई को एक थाईलैंड के नंबर से कॉल आई थी और उस बंदे ने मेरे मतलब पेटीएम के एमडी को कॉल करके बोला था कि हमारा पास तुम्हारा निजी डेटा है, आप हमें पैसे दे दें 20 करोड़ रुपए, नहीं तो हम ये पब्लिक कर देंगे, हम तुम्हारी इमेज को बर्बाद कर देंगे। पेटीएम के मालिकों अजय शर्मा और विजय शर्मा ने पुलिस को सारी बातें बताई। पेटीएम के जो ओनर हैं उनके द्वारा कंप्लेंट की गई थी कि उनके यहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉयड एक महिला और उसके साथियों के द्वारा उनके यहाँ पे कुछ डेटा को चोरी किया गया है। उस डेटा को चोरी करने के बाद में उनको उसी के आधार पर ब्लैकमेल करके उनसे 20 करोड़ रुपए की डिमांड की जा रही थी इलीगल तरीके से। इसी पे इमीडिएटली एक्शन लेते हुए एफआईआर दर्ज की गई है जिसके बाद 3 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने जाल बिछाया और 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस चौथे आरोपी की तलाश में है। अभी उनसे जो नेचर ऑफ डेटा है जो स्टील किया गया है और जो भी उनका मोडस ऑपरेंडी था उसकी जांच की जा रही है। जैसे इन्वेस्टिगेशन में तथ्य निकल करके आएंगे उसके बारे में अवगत करवाया जाएगा। सोनिया धवन ने साजिश तो शातिराना की थी मगर उसका गुनाह सामने आ गया। करोड़पति बनकर चांद पर पहुंचने का सपना पालने वाली सोनिया अब सलाखों के पीछे है।